हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नई जॉब एक नई वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। यूँ कहिए कि मैं आपको एक नई जॉब दिलाने वाला हूं। अगर आपको जॉब की नीड है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। 8 घंटे की काफ़ी अच्छी सैलरी होने वाली है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आपको वर्क करना होगा। एज अ 10th 12th ITI डिप्लोमा आपने कर रखा हुआ है। अगर आपको जॉब नहीं मिल पा रहा, गेट टू गेट जाते हैं, कंपनी टू कंपनी जाते हैं, आपको मना कर दिया जाता है कि जॉब नहीं है, ऐसे कंडीशन मैंने इसीलिए इस चैनल को अपने ओपन किया है जिससे कि मैं आपको अपडेट दे पाऊँ, मैं आपको घर बैठे सारी जानकारी दे पाऊं किस कंपनी में कब इंटरव्यू होगा, कब ज्वाइनिंग होगा, प्रोसेस क्या है। आज के इस वीडियो में आपको नई कंपनी के बारे में बताने वाले हैं, सैलरी क्या होने वाला है, प्रोसेस क्या होने वाला है, वर्क क्या होना, सब कुछ प्रॉपर तरीके से हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ सर मौजूद हैं, इनके साथ ही हमारे साथ बहुत सारी वीडियो आई है और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला भी है। देखिए, जो हम पे भरोसा करते हैं वो कंपनी के अंदर है और जो भरोसा नहीं करते वो घर पे, सीधी सी बात है। तो हमारे साथ सर मौजूद। सबसे पहले सर स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार इसरार जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा सर, आपसे मिलकर और अच्छा हो गया। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ सर। तो अभी अगर हम बात करें, अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, किस कंपनी के बारे में बात करें? अभी हम बातचीत करने वाले हैं पद्मनी VNA मैकाट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। ओके, पद्मनी मैकाट्रॉनिक एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, उनका एक नया प्लांट सेक्टर 8 IMT मानेसर गुड़गांव, जो मारुति का गेट नंबर 4 है, उसके पास में स्टार्ट हो गया है। अच्छा। तो उसके लिए हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप। तो इसमें अगर बात करें, क्या मैन्युफैक्चरिंग, क्या कंपनी क्या बनाती है सर? सर कंपनी जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की मोटर बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स की मोटर? हाँ, मोटर्स, इलेक्ट्रिकल मोटर्स आप कहेंगे तो इलेक्ट्रिकल मोटर मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इसमें किस टाइप के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं सर? सर इसमें 12th साइंस साइड से और ITI बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। तो इसमें अगर हम बात करें, प्रोसेस क्या होने वाला है ज्वाइनिंग का? प्रोसेस सर ज्वाइनिंग का, जो भी बच्चा है ये जो रिक्रूटमेंट होगी सर अभी नेक्स्ट वीक में, मतलब कि 21 तारीख से चालू हो जाएगी, पूरा हफ्ता फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे इंटरव्यू है। उनका जो प्लांट है गुड़गांव में है, गुड़गांव प्लांट में इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होने के बाद में बच्चे को सेक्टर 8 वाले प्लांट में भेज दिया जाएगा। इसमें हमें 12वीं पास लड़का या लड़की हो, उसके अलावा ITI लड़का लड़की हो, टेक्निकल कुछ ट्रेड है मैं अभी बता देता हूँ, और उनका अच्छा सैलरी होने वाली है। जो 12वीं पास बच्चा है और ITI बच्चा है, उनकी सैलरी होने वाली है 14,500 रुपये। इसके अलावा कंपनी यूनिफॉर्म देती है, कैंटीन फैसिलिटी देती है। अभी तो जनरल शिफ्टी चल रही है, फिर आने वाले टाइम पे, क्योंकि अभी नया प्लांट है, फिर ओवर टाइम लगेगा या नाइट शिफ्ट भी चालू हो जाएगी, मतलब रोटेशन शिफ्ट है कंपनी। हाँ, रोटेशनल शिफ्ट। डिप्लोमा वाले क्या सैलरी है सर? सर डिप्लोमा वाले की सैलरी है 15,500 रुपये। 15,500? हाँ जी। मतलब 10th 12th वालों की, ITI वालों की 14,500 है और डिप्लोमा वालों की 15,500, 8 घंटे की है ना? हाँ जी, 8 घंटे की अटेंडेंस वार्ड मिला के। हाँ जी। तो ये अप्रेंटिस पे रहेंगे कंपनी के पेरोल? सर ये कंपनी रोल पे अप्रेंटिसशिप रहेंगे। हाँ जी, जो भी बच्चे रहेंगे वो, जैसे मैं पहले भी वीडियो में बता पाया हूँ कि apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल है, उस पर रजिस्टर होना चाहिए, उस पर सारे डॉक्यूमेंट बच्चे के 100% प्रोफाइल कंप्लीट होगा। ओके, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सुपरवाइजर उनको फैसिलिट कर देंगे। ओके, हाँ जी। ओवर टाइम चलती है सर? ओवर टाइम सर मैंने बताया नया प्लांट है, ओवर टाइम कुछ लाइनों पर अभी चल रहा है, फिर लेकिन आने वाले टाइम पर चलेगा। कैंटीन और बस की क्या सुविधा होने वाली? सर कैंटीन सुविधा कंपनी में सब्सिडाइज है, बस तो क्योंकि वो मारुति गेट नंबर 5 में है, तो वहाँ पे इजीली डोर मैट्रिक वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। अगर बात करें जैसे लोकल कैंडिडेट जो हमारे भाई हैं, जैसे कि मान लीजिए ये तो जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि बाहर के लोग ही जॉब कर सकते हैं, बट जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए क्या हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ के लोग के पास सामने कंपनियाँ होती हैं, सामने खाना होता है, लेकिन वो खा नहीं पाते, वो जॉब कर नहीं पाते सर, तो क्या लोकल अप्लाई कर सकते हैं? सर देखो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी ने ना एक एरिया वाइज बच्चों का क्राइटेरिया बना रखा है कि किसी भी एरिया के ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, तो हम बराबर बराबर करके, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई मध्य प्रदेश का, कोई हरियाणा का, कोई दिल्ली का, इस टाइप से एक लिमिट है हर एक क्षेत्र के लिए, तो वो पूरी की पूरी उससे क्रॉस नहीं होना चाहिए लाइन में, तो इसलिए बैलेंस बना के कंपनी रिक्रूटमेंट करेगी, तो उनका क्राइटेरिया है, जब बच्चे आएंगे तो उनको बता दिया जाएगा। ओके, इसमें अगर हम बात करें, जैसा कि सर ने बताया जो जो चीज़ें, अगर इसमें आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर लीजिए। सर एक बात बताइए, इसमें PA PSI कटती है सर? सर अप्रेंटिसशिप पे PA PSI एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कंपनी अपनी तरफ से ESI एज एक्सटेंडेड बेनिफिट देगी, जिसका कि बच्चों का कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं होगा, पूरा का पूरा जो भी डिडक्शन होता है वो पूरा का पूरा कंपनी अपने आप से जमा करेगी।
अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट का जो वेजेस है उससे काफ़ी एक्स्ट्रा कंपनी पे कर रही है आपको। 10th 12th वालों की तकरीबन 11,000 तक बेजेस है, लेकिन कंपनी आपको 14,500 दे रही है। 13,500 अटेंडेंस अवार्ड है, मतलब 14,500 हम कह सकते हैं। ITI वालों का भी वही सेम प्रोसेस है, तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। पद्मावती ना, नहीं नहीं पद्मनी VNA, पद्मनी VN इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यस सर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप काम करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं सर, प्लीज़ अप्लाई करें। अप्लाई करने का कोई पैसा कोई चार्ज नहीं है सर। कुछ हमारे ऑडियंस है, उनके मन में मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे मैसेज करते हैं सर जॉब के नाम पे क्या पैसे लेंगे? नहीं, इसमें किसी भी टाइप का कोई भी पैसा नहीं है। किसी भी कैंडिडेट से हमारे कोई अधिकारी या प्रतिनिधि या हमारे कोई भी कस्टम पार्टनर है, कोई भी भर्ती का कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। गुड, बच्चे के डॉक्यूमेंटेशन पूरे होने चाहिए, तो उसी के बेस पे ही भर्ती होती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तो रिक्वायरमेंट नहीं, ओरिजिनल की नहीं है, बट जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो क्लैरिटिकल विजिबल होने चाहिए, क्योंकि अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जब करते हैं तो वो कई बार मांग लेते हैं कि इट शुड बी विजिबल, तो वो सारे के सारे जो भी उनका मार्कशीट में या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारा का सारा विजिबल होना चाहिए। तो अपने फोटो अपने फ़ोन में लेकर आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? नहीं, हार्ड कॉपी चाहिए होती है, क्योंकि अपलोड होता है। okay. उनका एक रिज्यूम की कॉपी होनी चाहिए, आधार की कॉपी, पैन कार्ड की, ये सारी कॉपी सर्टिफाइड होनी चाहिए उनकी, सेल्फ अटेस्टेड, मैट्रिक की कॉपी, इंटर की कॉपी, डिप्लोमा या ITI की मार्कशीट, बैंक की डिटेल, पासबुक या कैंसिल चेक, और 4 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये लेटेस्ट ही होनी चाहिए क्योंकि उनका आई कार्ड भी बनता है, तो ये सारी चीज़ें लेटेस्ट ही होनी चाहिए। हाँ, लेटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि यार फ़र्क होता है हर 2 साल। मान लीजिए आपकी 5 साल पहले की फ़ोटो है ना और अब में, बहुत फ़र्क होता है, लोग पहचान नहीं पाते, तो दिक्कत होती है। और आई कार्ड बनता है, आई कार्ड में आप दिखते कुछ और आपका चेहरा कुछ और बताता है ना? बिल्कुल सर, क्योंकि शिफ्टों में ड्यूटी होती है, कभी कोई जरूरत पड़ गई, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह हो गई, तो वो मैच नहीं कर पाएगी। इसलिए सभी कैंडिडेट से आग्रह है कि तो हमेशा लेटेस्ट फोटो लेके आए। आप तो सर हमेशा बंदों को जॉब देते रहते हैं, आपका ही बहुत बड़ा योगदान रहता है, मैं भी धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है सर, जैसे इंटरव्यूज़ में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं जिससे कि ऑडियंस को थोड़ा समझ आ पाए और दे पाए इंटरव्यू? सर बेसिकली जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, बेसिक चीज़ें पूछी जाती है फैमिली के बारे में, और बच्चे का एटीट्यूड देखा जाता है, क्योंकि पद्मनी अच्छी कंपनी है। हम यहाँ पे पिछले साढ़े चार साल से अप्रेंटिसशिप दूसरे प्लांट में, बाकी प्लांट में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो बच्चे का एटीट्यूड एक मायने रखता है। एजुकेशन तो हर कोई रखता है, तो वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस है, एटीट्यूड मायने करता है, तो वो बच्चे थोड़ा ध्यान रखें, डिसिप्लिन बच्चा ही आए वहाँ पे जो करने का इच्छुक है। जैसे आपने पहले भी वीडियो में बताया, जो इंटरेस्टेड है सिर्फ वही बच्चा जाए उसमें। और सबसे बड़ी बात है, देखो यार, कम्युनिकेशन स्किल्स, गेटअप, बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप कितने भी आप पढ़े लिखे हो, नॉलेज है, अगर आपका ड्रेसिंग सेंस नहीं है ना, कोई भी कंपनी आपको नहीं लेगी, सीधी सी बात। हाँ, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन अलग बात है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फॉर्मल ड्रेस में है, शूज़ पहन कर आए, हेयर कट करके आए, यार कुछ अपने ऊपर भी तो आप ध्यान दो कि यार हम कैसे दिख रहे हैं, बाकी कंपनी की स्टाफ कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं। तो देख कर नकल करो, अच्छी चीज़ें नकल करो, बुरे चीज़ें तो लोग नकल कर लेते हैं सर, लेकिन अच्छी चीज़ों के पीछे नहीं जाते। बिल्कुल सर, है ना, जैसे कि सर को हम देखते हैं तो हम भी बहुत मोटिवेट होते हैं कि हम सर की तरह बनेंगे, हम सर की तरह सीखेंगे, रियली बता रहा हूँ। बिल्कुल सर, है ना, तो हम भी बहुत मोटिवेट होते हैं, रियली बता दो। देखिए, आप हमसे एज में भी बड़े हैं, आप उम्र में भी बड़े हैं, और नॉलेज भी बड़े हैं, आप पढ़े लिखे भी हमसे ज़्यादा, हर चीज़ में आप मुझसे हर चीज़ में आप आगे हैं। हाँ, एक बार बच्चा डिसिप्लिन में रह के काम करेगा तो आने वाले टाइम पे जब वो 2-3 साल एक्सपीरियंस करके जाएगा तो उसके स्कोप जो भी हैं काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। अब तो इंडस्ट्री सब जगह आ रही है, बस वो पहले 2-3 साल सीखे तरीके से काम, डिसिप्लिन में रहे, तो वहाँ पे भी आगे उसके रेगुलर होने के चांसेस हो सकते हैं। गुड, तो सर से बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है। इनके स्टाफ का जो नंबर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, तो आप बाकायदा बात कर लीजिए उनसे, है ना। बात करने के बाद लोकेशन वगैरह सारा वो आपको भेज देंगे, उसके बाद आराम से आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, किसी को भी कोई पैसा नहीं देना है। अगर कोई कि सर का नाम लेकर कोई भी आपसे पैसा मांगता है तो आप कंप्लेन करें। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में एक नए नौकरी के साथ, रखिएगा अपना ख्याल नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, यू वेलकम सर।